आज मैं बात करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक की, जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की। यह सर्जिकल स्ट्राइक मिट्टी सिंध, जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर है, में रहने वाली अफशीन गुल, जो कि 13 साल की थी, उन पर की गई। इससे पहले मैं आगे बताऊं, मैं अफशीन गुल के बचपन के बारे में बताना चाहता हूं। अफशीन गुल जब पैदा हुई तो वो एक सीपी चाइल्ड थी, सीपी सेरिब्रल पाल्सी थी उनको, यानी आम लफ्जों में उनको दिमाग का फॉलिश था। उनके सात बहन भाई थे और जब वो 10 महीने की थी तो उनकी एक बहन ने जब उनको उठाया हुआ था तो गलती से उनके हाथ से अफशीन गुल गिर गई, जिसकी वजह से उनकी जो गर्दन थी उसमें चोट आई और उसके बायस उनका जो सर था वो 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ गया। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाइयां दी और एक नेक बेल्ट लगाई, मगर अफशीन गुल को अपनी बहन के हाथ से गिरने की वजह से एक 10 माह की लड़की को जो इंजरी हुई उसे AARD कहा जा रहा था, अटलेंटो एक्सियल रोटेटरी डिसलोकेशन, जिसको आम लफ्जों में यह कहा जा सकता है कि उनके गर्दन के जो पहले दो मोहरे थे हिलने की वजह से उनके सर की लोकेशन 90 डिग्री पे चली गई थी। 2017 में जब अफशीन गुल 8 साल की हुई तो वो 8 साल से ऐसे ही जिंदगी गुजार रही थी, टेढ़े सर के साथ। बच्चे जो कि अपने बचपन में बाहर खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, मगर अफशीन गुल सिर्फ घर में रहती थी, अपने काम काज भी नहीं कर पाती थी। और इससे ना सिर्फ अफशीन गुल मुतासिर हो रही थी बल्कि उनका पूरा खानदान एक इम्तिहान में था। 2017 में अहसन खान, जो कि पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने फेसबुक में अफशीन गुल की फोटो लगाई और उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई कि मिट्टी के इस इलाके में रहने वाली बच्ची को कोई तो देखे। फिर सनम बलोच ने भी अफशीन गुल की अम्मा को मॉर्निंग शो में बुलाया और वहां भी मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई इस केस को, जो कि एक मुनफरिद किस्म का है, कोई तो देखे। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कुछ लोगों ने इस केस पर ध्यान दिया और अफशीन गुल को कराची के एक बड़े निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, मगर अफशीन गुल के पेरेंट्स ने खुद छुट्टी ली उस अस्पताल से सेकेंड ओपिनियन के लिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में जिसमें उनकी गर्दन उनके सर को सीधा किया जाना था, अफशीन गुल का जो सर्वाइवल चांस था वो 50% था। खैर, अफशीन गुल की फैमिली जब अपने जाती मामलात पूरे करने के बाद दोबारा अस्पताल वापस आए तो कुछ रीजंस की वजह से बात आगे ना बन पाई और ऐसे अफशीन गुल अपनी टेढ़ी गर्दन अपने टेढ़े सर के साथ ही दुनिया को और जिंदगी को देखती रही। फिर जब 2019 में अफशीन गुल 10 साल की हुई तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने उनके ऊपर रिपोर्ट बनाई जहां उन्होंने हाईलाइट किया अफशीन गुल की मेडिकल कंडीशन को, साथ साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को। और फिर आई इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक, जब ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने अफशीन गुल का राबता न्यू दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर कृष्णन के साथ करवाया। डॉक्टर कृष्णन, जो कि न्यू दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में कॉम्प्लेक्स स्पाइनल सर्जरीज के स्पेशलिस्ट थे, जब उनसे अफशीन गुल का केस डिस्कस किया गया तो उन्होंने अफशीन गुल से कहा कि आप लोग इंडिया आ जाए। 2021 नवंबर में अफशीन गुल इंडिया रवाना हो गई। इस दौरान फंड रेजिंग भी की गई क्योंकि एक मुनफरिद किस्म का ऑपरेशन और केस था और इसके लिए बहुत ज्यादा बजट रिक्वायर्ड था। खैर, जब 2021 के आखिर में अफशीन गुल अपनी फैमिली के साथ इंडिया पहुंची तो वहां उन्हें भी बताया गया कि जो सर्वाइवल रेट है वो अफशीन गुल का 50% होगा। अफशीन गुल के जो अब्बू हैं मिस्टर कंबर, उन्हें बताया गया, डॉक्टर कृष्णन ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान अफशीन गुल के फेफड़े या दिल काम करना बंद कर सकते हैं, मगर डॉक्टर कृष्णन ने बहुत ही सेंसिटिव और काइंड अंदाज में उन्हें काउंसिल किया, जिस पर इवेंचुअली मिस्टर कंबर मान गए कि ये ऑपरेशन किया जाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। अफशीन गुल को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया और अफशीन गुल के ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां करना शुरू हो गई। अफशीन गुल का ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था, उनकी गर्दन और सर को सीधा करने के लिए पहले दो मेजर सर्जरीज की गई, फिर उसके बाद एक मेन नेक सर्जरी की गई और उसके बाद एक मेजर ऑपरेशन किया गया जिसमें उनकी खोपड़ी को गर्दन के साथ स्क्रूज और स्टिक के साथ जोड़ना था। और यह थी मेजर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से। अफशीन गुल, जो कि 13 साल से बेड रिडन थी, जो हमेशा डिपेंडेंट थी अपने इर्द गिर्द वाले लोगों पे, जिन्होंने आज तक गर्दन सीधा करके दुनिया को नहीं देखा, वो इस ऑपरेशन के लिए आए। वो ऑपरेशन जिसमें बज़ाहिर खुद बहुत कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा हसास ऑपरेशन जिसके बाद अक्सर इंसान पूरी तरह मफलूज हो जाता है, उसे फॉलिज हो जाता है। अफशीन गुल इस ईद
इस बड़ी मुस्कुरा रही थी, अपना सर सीधा करके ईद मना रही थी खुश होके। और ये मैं बताता चलूं कि जो सारा ऑपरेशन हुआ डॉक्टर कृष्णन ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उन्होंने इस चीज के पैसे नहीं लिए। और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक, अगर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स दोनों ममालिक एक दूसरे पे करने लग गए तो आई वंडर क्या होगा। 4 महीने के बाद अफशीन गुल वापस मिट्टी सिंध पाकिस्तान आ चुके हैं और डॉक्टर कृष्णन स्काइप से अभी भी उनका फॉलो अप ले रहे हैं। और अफशीन गुल के अबू डॉक्टर कृष्णन को मसीहा कहते हैं। तो खुश रहें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें अफशीन गुल की तरह, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। अल्लाह हाफिज़।